उन्नाव उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख व ऐतिहासिक जिला है। प्राचीन काल में उन्नाव पर चौहान शासकों का कब्जा रहा था। गंगा नदी व शाही नदी के बीच में स्थित उन्नाव प्राचीन काल से ही इतिहास के पन्नों से बना हुआ है। हिंदी साहित्य में अपने विशेष छाप छोड़ने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मौलाना हसरत मोहानी, शिव मंगल सिंह सुमन जैसे तमाम कवियों व लेखकों का जो संबंध है वो उन्नाव जिला से रहा है। दोस्तों, अगर सड़क पर दौड़ती ज़्यादातर गाड़ियों के नंबर प्लेट पर यूपी 35 लिखा हो तो आप समझ जाएगा कि आप जो है उन्नाव जिला में दाखिल हो चुके हैं। ये वही उन्नाव जिला है जो अपने चमड़ा उद्योग के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लगभग 4558 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले उन्नाव जिला की जो कुल आबादी है वो 31,08,000 है, जिसमें 16,30,000 पुरुष तथा 14,78,000 जो है वो महिलाएं मौजूद हैं। दोस्तों, उन्नाव जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ जो है अपनी सीमाएं साझा करता है, जिसमें हरदोई जिला, फतेहपुर जिला, लखनऊ जिला, कानपुर जिला और रायबरेली जिला। अगर यातायात की बात करें तो उन्नाव जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से जो है वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, रेल मार्ग। दोस्तों, उन्नाव जिले का जो मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम है वो उन्नाव रेलवे जंक्शन है। इस जंक्शन में 5 प्लेटफॉर्म तथा 7 ट्रैक मौजूद हैं। वाराणसी कानपुर ब्रांच लाइन, लखनऊ कानपुर ब्रांच लाइन, उन्नाव राय बरेली लाइन पर स्थित इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड जो है वो ON है। इस रेलवे स्टेशन की स्थापना सन 1867 में की गई थी, जिसे बाद में 1999 में इलेक्ट्रीफाई किया गया था। यह रेलवे स्टेशन नॉर्थ रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। साबरमती एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस, चित्रकूट एक्सप्रेस, अमरपाली एक्सप्रेस, बरौनी राप्ती सागर एक्सप्रेस जैसी तमाम ट्रेनें जो है वो इस उन्नाव जंक्शन के माध्यम से होकर गुजरती हैं। नंबर दो, सड़क मार्ग। दोस्तों, उन्नाव जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 25 गुजरती है, जो कि कानपुर को लखनऊ से जोड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई छोटे बड़े बाईपास सड़क मौजूद है, जिसके माध्यम से यहाँ के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में जा सकते हैं। इसके अलावा शफीपुर बस स्टैंड, पुरवा बस स्टैंड, हसनगंज बस स्टैंड और उन्नाव बस डिपो द्वारा यहाँ पर बसें उपलब्ध है, जहाँ से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा जो है वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में बस सेवा संचालित की जाती है। नंबर तीन, वायु मार्ग। दोस्तों, उन्नाव में तो कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, परंतु चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ का यहाँ से सबसे निकट में स्थित एयरपोर्ट है, जो कि लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, जाति धर्म के आधार पर उन्नाव जिले में हिंदू धर्म की जो आबादी है वो 27,31,000 है, जो कि लगभग 87%। इसके अलावा मुस्लिम धर्म के लोगों की जो आबादी है वो 4,32,000 जो कि लगभग 12% होती है। दोस्तों, अगर घूमने की बात करें तो उन्नाव जिला जो है वो खूबसूरती खजानों से पूरी तरह से भरपूर है। इस जिले में कई ऐसे घूमने के स्थान है जहाँ पर जो लोग हैं वो घूम कर आनंद उठा सकते हैं। तो वही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा घूमने की स्थान है जहाँ पर उन्नाव जिला के जो लोग हैं वो घूम कर आनंद ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर एक, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य। दोस्तों, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जिसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर उन्नाव जिले में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है, जिसमें भारत झील और आसपास के वातावरण में युक्त है। यह उत्तरी भारत के कई आंध्र भूमियों में से एक है। यह अभयारण्य ज्यादातर CIS देशों के प्रवासी पक्षियों के 250 प्रजातियों की सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन 1990 के बाद जो है इनकी जो संख्या है वो घट रही है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से पक्षियों के नए वन क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं।
इस अभयारण्य में एक डियर पार्क व घड़ी व नाव भी है। दोस्तों शहीद चंद्रशेखर पक्षी अभयारण्य स्थानीय पर्यटकों के साथ साथ आसपास के जिलों के पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख मनोरंजन का केंद्र बन गया है। नंबर दो, निराला पार्क। उन्नाव जिले के सिविल लाइन कल्याणे में स्थित निराला पार्क अपने रंग बिरंगी फूले ऊंचे ऊंचे ताल के ब्रिज के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय है। इस पार्क में छोटे छोटे बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ बड़े पर्यटकों का भी रहने बैठने व मतलब घूमने का जो है वो पूरी व्यवस्था की गई है। छुट्टियों के समय में बच्चे यहाँ पर खेलना काफी पसंद करते हैं। वैसे यहाँ पर शाम व सुबह में जो है वो यहाँ पर काफी भारी मात्रा में स्थानीय लोग जमा रहते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर बर्मा वाटर पार्क, आनंदी मैजिक वर्ल्ड, चंद्रिका देवी मंदिर जैसे तमाम पर्यटक स्थल है जिसकी व्याख्या जो है वो एक वीडियो में करना संभव नहीं है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्नाव जिले की जो मुख्य नदी है वो गंगा नदी व शाही नदी है। गंगा व शाही नदी के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बेहद ही करीब 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और देश की राजधानी नई दिल्ली से लगभग 536 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों इस जिले के जो 17% जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं, बाकी 82% ऐसे लोग हैं जो आज भी उन्नाव जिले के गांवों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। अगर व्यवसाय की बात करें तो इस जिले का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि पर आधारित है। इसके अलावा यहाँ पर चमड़ा उद्योग जो है वो काफी भारी मात्रा में विख्यात है, जहाँ पर लोगों का जो रोजगार का जो है वो एक मुख्य साधन बना हुआ है। दोस्तों उन्नाव जिला जो है वो 6 तहसीलों में बटा हुआ है, जिसमें उन्नाव, शफीपुर, हसनगंज, पुरवा, बिघापुर और बांगरमऊ। इसके अलावा जिले में 16 ब्लॉक, 21 पुलिस स्टेशन और 1044 गांव जो है मौजूद हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो उन्नाव जिला में कई ऐसे स्कूल व कॉलेज हैं जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। इस जिले की साक्षरता दर 75% है, यानी कि जिले में 75% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, जिसमें इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम है जगन्नाथ इंटर कॉलेज, सर सैयद पब्लिक स्कूल, चौधरी कंचन सिंह महाविद्यालय तथा और भी कई ऐसे प्राथमिक व मिडिल स्कूल मौजूद है जो कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियोस पूरा देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।